friends, welcome back to the other 167. This is Jasmine. I greet you all in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. And the word for today is by Ms. Archana Thiribhuvan, who is a worship leader and interpreter in Anant Jeevan Worship Center, Mumbai. And she's going to talk about today is your day. Let's learn more about it. कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल द अदर 167। कल के भरोसे पर न रहना। इन मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 34 इट सेज, देयरफॉर डू नॉट वरी अबाउट टुमारो, फॉर टुमारो विल वरी अबाउट इट्स ओन थिंग्स। सफिशिएंट फॉर द डे इज इट्स ओन ट्रबल। मत्ती रचित सुसमाचार इसका छठवां अध्याय और 34वें वचन में ऐसा लिखा है, सो कल के लिए चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन आपकी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। आजकल की इस भागदौड़ की जिंदगी में हम कहीं ना कहीं आज में जीना भूल गए थे। हम अपने आने वाले कल के पीछे इस तरह से भाग रहे थे कि हम आज में जीना जो है वो भूल गए थे। इस लॉकडाउन से पहले हो सकता है कि हमने बहुत सारी योजना बनाई होगी, मे बी अबाउट आवर फ्यूचर स्टडीज, अबाउट आवर मैरिजेस, अबाउट आवर चेंजिंग आवर जॉब्स, मे बी अबाउट गोइंग ऑन अ लॉन्ग वेकेशन। लेकिन ये जो लॉकडाउन है, इस महामारी ने जो है वो, इस कोरोना ने जो है कहीं ना कहीं पे हमारे जिंदगी को रोक दिया और हमें जो है वो आज में जीना सिखाया है। हम आवर प्लान्स हैव गॉट पॉज्ड एंड समवेयर दिस लॉकडाउन हैज लॉक्ड आवर लाइव्स। सो टुडे वी नीड टू थिंक, हम किसके भरोसे जी रहे हैं? हम कल के भरोसे जी रहे हैं क्या? हम लोगों के भरोसे जी रहे हैं क्या? हमें इस महामारी ने और इस लॉकडाउन ने और एक बात सिखाई कि हमारे अपने पास होते हुए भी हमारे काम नहीं आ सकते थे। हमारे पास पैसा होते हुए भी वो इस महामारी को नहीं रोक पाया, लोगों को मरने से नहीं रोक पाया। तो आज हम अपना विश्वास किस पर डालते हैं? हम अपना भरोसा किस पर डालते हैं? किसके भरोसे हम जीते हैं? इसलिए परमेश्वर का वचन जो है, द सेंटर वर्ड्स ऑफ द बाइबल tells us, which is Psalms 118 verse 8, tells us that it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Yehova ki sharan leni manushya par bharosa rakhne se uttam hai. Even in these difficult times, God is teaching us to trust in Him and live in today. There is an English proverb which says, Yesterday is gone, tomorrow will never come, only today is yours. कल जो है वो बीत गया है, आने वाला कल कोई नहीं जानता, केवल आज जो है वो आपका है। So my dear friends, we need to learn to live in today and make the best use of our today. We sing that song, this is the day that the Lord has made, we will rejoice and be glad in it. आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। क्या कहा गया है? आज का दिन। ऐसा नहीं लिखा है वहां पे कि कल का दिन यहोवा ने बनाया है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। Some days back I was just reading to the history of the king of pop music, the very famous singer and the songwriter Mr. Michael Jackson. He wanted to create his own future. He had the desire to live for 150 years, and for that he has made all the possible provisions. He has appointed best of the doctors for the emergency. अगर कभी kidney fail हो जाए या liver fail हो जाए तो उसके लिए उसने organ donors भी तैयार करके रखे थे। पर अंत में क्या हुआ? He couldn't even live 70, 80 or 100 years. He died at the age of 50. We don't know what the future awaits for us. कौन जानता था कि ऐसी कोई बीमारी आएगी, ऐसी कोई महामारी आएगी जिसकी वजह से हमें अपने ही घरों में बंद रहना पड़ेगा और हमारी जिंदगी जो है वो एक तरह से रुक जाएगी, थम सी जाएगी।
परमेश्वर का वचन हमें बताता है इन जेम्स चैप्टर 4 वर्सेस 13 एंड 14, कम नाउ यू हु से टुडे और वी विल गो टू सच एंड सच अ सिटी, स्पेंड अ ईयर देयर, बाय एंड सेल एंड मेक अ प्रॉफिट, व्हेयरएज यू डू नॉट नो व्हाट विल हैपन टुमारो. For what is your life? It is given a vapor that appears for a little time and then vanishes away. You know, we are hearing so much about whatever is happening around the world. It tells us so much about the prophetic events written in the Bible coming to pass about the rapture and the second coming of Christ. So what are we waiting for? Are we waiting for more prophecies coming to pass in the near future? Are we waiting to gather more knowledge about it? Or are we really preparing for the second coming of Christ? Scripture tells us in Hebrews chapter 3 verse 15, today, if you hear his voice, do not harden your hearts as in the rebellion. We saw the verses which says, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. We saw the verse which says that do not put your confidence in man, but to trust in the Lord. And most importantly, the last verse which says in Hebrews chapter 3 verse 15, that today if you hear his voice, do not harden your heart in rebellion. So my dear friends, today if you hear his voice and if you do need to turn back to him, please do so. Because we do not know what tomorrow brings for us, as only today is ours. Isliye aaj hi dil mein masih ko basa le, kar de ye jeevan uske hawale, hongi bahare jeevan mein teri, hoga safar ye suhana, कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना, कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना, कल के भरोसे पर ना रहना. Thank you so much for listening to this video. May the good Lord bless you all. Take care and stay safe. Thank you, Sister Archana, for this amazing word. Do not worry about tomorrow. Only put your trust in God. Thank you so much for watching. Please like the video and share the video. If you haven't subscribed, please subscribe. And hit the bell. Please follow us in social media, Facebook, Instagram and LinkedIn. If you have any queries, do write to us. And please show your support by commenting below. Thank you so much. Shalom.